press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नॉर्थ ईस्ट राज्य में हुई विधानसभा चुनाव के तहत शनिवार को मतगणना कराई गई। इसमें भाजपा और उसके गठबंधन पार्टी इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ने त्रिपुरा में शानदार जीत हासिल की है। इस राज्य में 25 वर्षों से सत्तासीन वाम मोर्चा सत्ता से बेदखल हो गया। त्रिपुरा में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत पाने में कामयाबी हासिल की है। भाजपा का कहना है कि यहां लोगों ने बदलाव के लिए मतदान किया है। साल 2013 में विधानसभा चुनाव में वाम मोर्चे ने 50 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार यहां मोदी और भाजपा ने अपना सिक्का जमा लिया है। उधर मेघालय में चुनाव के परिणाम से त्रिशंकु विधानसभा का संकेत दिख रहा है। एनपीपी अध्यक्ष कोनराड संगमा ने दावा किया है कि उनकी पार्टी अन्य दलों के सहयोग से अगली सरकार बनाएगी। यहां कांग्रेस दूसरे प्रमुख रूप से उभरी है। वहीं नागालैंड में भाजपा और एनपीएफ मिलकर सरकार बना सकते हैं। कुल मिलाकर इन नतीजों ने त्रिपुरा में भाजपा का कमल पूरी तरह खिला दिया है और नागालैंड में भी उसकी सरकार बनने के आसार बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस को सफलता मिली थी, लेकिन आज आए परिणामों को कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। वहीं पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में भाजपा की जीत को लेकर राजस्थान प्रदेश भाजपा में जश्न का माहौल है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि त्रिपुरा में भाजपा की जीत पीएम मोदी के विकास के विजन की जीत है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इस साल आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी कार्यकर्ता बीते दिनों हुए 3 उपचुनाव की हार से निराश न हो, बल्कि भाजपा कार्यकर्ता मिशन 180 को राजस्थान में पूरा करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने त्रिपुरा में ऐतिहासिक विजय और नागालैंड में भाजपा को मिले जन समर्थन पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के संगठन कौशल से यह अभूतपूर्व सफलता मिली है। सीएम राजे ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा को मिला समर्थन यह साबित करता है कि देश में अब भाजपा का कोई विकल्प नहीं है।